किसी किनारे पे चलने के लिए बना ये मानव। सक्सेस, प्यार, विश्वास, सौदा जैसे रास्तों में लुप्त हो रहा है। यहाँ हर कोई शतरंज का बादशाह है तो हर कोई प्यादा। जिंदगी के धर्म निभाते निभाते कई बार अधर्म हो जाते हैं और फिर शुरू होता है ये शतरंज का खेल। शतरंज इश। रात के 9 बजे मिस्टर आनंद कुमार चाय बना रहे हैं। अपने जहां यार, ये लाइट को भी ना अभी जाना था। हाँ भाई, आ रहा हूँ, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ भाई, कौन, कुछ दिख क्यों नहीं रहा अचानक? क्या मौसम को क्या हो गया? हाँ भैया, बाहर बारिश होने वाली है, तूफान बहुत है। आसपास के सभी घरों की लाइट बंद देखी और आपकी चालू थी तो सोचा थोड़ी देर रुक जाऊं। क्या रुक सकता हूँ मैं? पर कैसे कैसे मैं किसी को भी। अरे यार, वैसे बातों से तो तुम शरीफ लगते हो। अरे यार, एक कम। हाँ जी। और दरवाजा जल्दी बंद कर देना, नहीं तो धूल अंदर आ जाएगी। हाँ जी। और ध्यान से चलना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मोमबत्तियां जलाता हूँ। हाँ जी। और बैठ जाना, खड़े मत रहना। हाँ जरूर। ठंडा गरम कुछ लोगे? जी, कुछ नहीं जी। अरे ले लो यार, चाय बना रहा था, तुम्हारे लिए भी एक कप बना देता हूँ। नहीं, कुछ नहीं। और चाय आप बनाएंगे? घर में और कोई नहीं है? फिलहाल तो कोई नहीं है। मगर एक बड़ी खूबसूरत सी बेगम है हमारी, कमबख्त अपने दोस्त की सगाई में गई हुई है। लेकिन अच्छा जी। हाँ। वैसे नाम क्या है आपका? जी, माधव नाम है मेरा। माधव? हाँ। बड़ा प्यारा नाम है माधव जी आपका। जी धन्यवाद। अपने जहां के। तो मिस्टर कुमार, मैं क्या? मिस्टर कुमार, आपको मेरा नाम। अच्छा, बाहर नेम प्लेट पे पड़ा होगा। बड़े समझदार लगते हैं आप माधव साहब। मगर आप मुझे बहुत ही मूर्ख लगते हो मिस्टर कुमार। क्या? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते? वही तो मिस्टर कुमार, आप कुछ समझते ही नहीं हो। परफ्यूम और कॉस्मेटिक की कंपनी से ताल्लुकात रखते हो ना? सुना है आपकी बीवी का नाम सुहासी है, जो काफी सुंदर है, और पैसों से तो बेमिसाल हो, मगर मेरे दोस्त तुम प्यार से कंगाल हो। क्या सही सुना ना मैंने? तो कौन है और ये सब तो कैसे, और क्या नाम बताया तूने? माधव। माधव दिवाकर, वो नौटंकी वाले। ड्रामा कहते हैं उसे। और हाँ, नौटंकी कहो या जो तुम्हारी बजा रहा है घंटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, प्यार नहीं करते उससे? प्यार तो बहुत करता हूँ, मगर मगर ये मगर बहुत बीच में आता है, और जो बीच में घुसना चाहिए ना कुमार, वो नहीं घुसता है। अरे कुमार, रिलैक्स कुमार, बैठो कुमार। ये कोई नहीं बदल सकता कि मैं तेरी बीवी की मोहब्बत हूँ और वो तू आफत जिसे वो छोड़ना चाहती है। यार मतलब मतलब, अरे यार तू कितने मतलब मांगता है, कितना बोरिंग इंसान है तू। तेरी बीवी जैसे शराब, शबाब, और साले तू हड्डी में कबाब है। तेरी बीवी मेरी सुहासी। हाँ ये अच्छा लगता है, मेरी सुहासी जैसे फूल नूर, रेशम का कोई नूर। उसकी आंखें तो जैसे समंदर में जल के ज्वाला, जो गंबक न चलने देती है ना बचने देती है। उसके होठ तो जैसे बारिश की बूंदे। उसके बाल जलन हो रही है। एनीवे, कम टू द पॉइंट कुमार, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तू मारेगा मुझे? तू मारेगा? अपने आप को देखा है? तू मारेगा मुझे? कुमार, यही तो प्रॉब्लम है कुमार। तुम्हारे काम जबरदस्ती और बल के तरीके कर दे, और मैं वही काम दिमाग से कहता हूँ। कुमार बैठो। नहीं, गोली मत चलाना कुमार। लगता आप भी सुहासी कहने पर रिस्क ले। आप भी मतलब आपको भी सुहासी ने यही कहा होगा ना कि 9 बजे मैं घर पे अकेला रहूंगा और आप आके मुझे मार देंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन ये सब तू कैसे जानता है?
आपकी सुहासी और मेरी बीवी। यू पागलों की तरह रास्ता बंद कर रही है, बता कि तू ये सब कैसे जानता है? शांत सर, सब शांत। नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, इस बार ना मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आपकी सुहासी ना हम दोनों को बना रही है। नहीं नहीं, आप जिसकी समुद्र जैसी आके और ठंडी ठंडी ऑटो की बात कर रहे थे ना, अब वो तो धोखेबाज निकली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही है माधव साहब, सही है, ये सारा का सारा चक्र भी उसी ने बना के दिया होगा आपको। और जब दो तीन बार आपने इसे करने से मना कर दिया होगा, तब वही उसकी कातिल मुस्कान ने आपको मदहोश कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मगर मगर कुमार वो ऐसा क्यों करेगी? कुमार पैसा, माधव साहब पैसा, पैसा सुहासे का तो काम ही ऐसा है। वैसे विस्की के साथ क्या लोगे? ठंडा सोडा या का पूरी की पूरी विस्की दे दूं? अरे घबराइए मत, घबराइए मत। हाँ, मैं समझाता हूँ। दरअसल ये पूरे संपत्ति की मालकिन तो सुहासी है। हाँ, मगर पैसे उसे तभी मिलेंगे जब मैं मर जाऊंगा और आपसे ऐसे काम ही नहीं आते उसे। हाँ, और मैं किसे कह रहा हूँ? आपको सुना तो ये भी है कि आपने भी अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर रखी है। हाँ, की क्या कर रहे हो? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना है ना आपको ही करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ कुमार, मैं क्या कर सकता? एक काम करो, एक काम करो, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार कैसे कुमार? ये मेरा पर्सनल परफ्यूम है। नहीं नहीं कुमार, ये मेरा पर्सनल परफ्यूम है। ये क्या कर रहे हो कुमार? ये पागलपंती, मैं पागल हो जाऊंगा कुमार। काम करो, एक काम करो, तैयार हो जाओ और सुहासी को मार दो। नहीं नहीं, तैयार होके मारेंगे तुझसे भी प्यार आएगा। नहीं कुमार, मैं उसे प्यार करता हूँ कुमार, उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं नहीं मार सकता कुमार। एक काम करते, मैं ना अपनी संपत्ति का 20 नहीं 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 30 नहीं 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 40% आपको दूंगा। मगर उसे मार दीजिए, जेल करा दीजिए, जो करना करवा दीजिए, बस मुझसे लीगली अलग करवा दीजिए। और हाँ, सुना तो ये भी है कि आपकी ड्रामा कंपनी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, डील अच्छी है माधव साहब। अगर कुमार ये सब होगा कैसे कुमार? यार ड्रामेबाज आप हो या मैं, किसको कैसे मारना है क्या करना है आपको पता होना चाहिए, मुझे पता हो जाने। करो क्या करो, सोचो सोचो सोचो। और ये बोलता है कैसे मर्डर कर दूं उसका। एक काम जरूर कर सकते। क्या जरूर करता हूँ मैं? एक मिनट, एक सीन क्रिएट करो। सीन क्रिएट करो। एक मिनट। हेलो सुहासी ढाली, कहाँ हूँ? तुम्हारे पति को मैंने मार दिया। जल्दी आओ ना, लास्ट को भी तो ठिकाने लगाना है। जल्दी आओ। खून, ये क्या बोल रहा है? तुझे मरना पड़ेगा। क्या? लेट जा, उल्टे लेट, पुलिस को दे रही है, सांसे नहीं सुनाई देनी चाहिए। और हाँ हाँ, देख मैं क्या बोलूंगा, बोल दूंगा तेरी बीवी ने तेरा कत्ल कर दिया। और हाँ, आखिर में मैं तुझे अस्पताल लेके जाऊंगा ताकि तू जिंदा तो हो गया ना। हाँ, अब ये बता कि जिसको उसका उल्टा इसको संभालना, इसको ये आखिर तक रखना है हमें। हाँ, और ये बता कि सोस कहाँ होगा? सोस तो ये किचन में, ये रहा। हाँ, पर यार तू संभाल तो लेगा ना? हाँ, सब तू चुप रहना। अभी नहीं है। अब लगता है तू मर गया। अब लगता नहीं, हाथापाई तो हुई नहीं घर में, चोर आए और हाथापाई नहीं, ऐसा बनता है कभी? नहीं बनता। अब हाथापाई होगी। हाँ, ये गया। हाँ, ये डाइनिंग टेबल भी हट गया, ये भी हट गया, ये बोतल भी गई। हाँ, ये गया और आखिर में ये भी गया। अब सुहासी को बुलाता हूँ। हेलो, कहाँ हो यार सुहासी? जल्दी आओ ना, लास्ट को ठिकाने भी तो लगाना है। हाँ स्वीटू, बस आई। हाँ, और वो मर गया। हाँ, सच्ची। हाँ, ओ जानू, आई लव यू सो मच। लेकिन तू डाले, लेकिन जल्दी आ ना। ओ चल चल। हाँ, आई मैं बस 2 मिनट में। हाँ, जल्दी जल्दी। हाँ, और गन। हाँ, सब आधा फाइल लग रहा है। ये मर गई। यार कहाँ थे तुम, इतनी देर को लगाता है क्यों? वो सब छोड़ो, ये देखो ये मर गया। फाइनली तुम
मगर इस लाश को टिकट भी तो लगाना पड़ेगा, पुलिस केस हो सकता है, हम दोनों जेल भी जा सकते हैं डाली। तो क्या एक काम करते, एक काम, एक सीन क्रिएट करते, एक सीन क्रिएट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। माधव क्या कर रहे हो तुम? हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम बिहारी बोल रहा हूँ। सुना है बाजू के बंगलों में खून हुआ है? सुना है बाजू के बंगलों में खून हुई गवाह है? हाँ एड्रेस लिखिए, हाँ वहाँ वहाँ वहीं आ जाइएगा। सुना है बीवी ने फोन किया? हाँ जाने ऐसा नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं बोल दूंगा कि तुमने तुम्हारे पति का फोन कर दिया है। हाँ, नहीं तुम पुलिस को बोल कि मेरा पति मुझ पे रोज चेक करता था और आज चेक करते करते उसका शक बढ़ गया कि वो मुझे मारने आ रही है, ये हो गया। मगर माधव नहीं नहीं नहीं, और अगर पुलिस ने मुझसे पूछा कि तुझे तुम क्या करो, मैं बोलूंगा अब हमको वहां से गुजर रहा था और देखा कि अंदर मियां बीवी की झगड़ी आ रहा आवाज आई, मियां बीवी ने मुझे मार दिया। यार मैं मुझे जेल क्यों माधव? नहीं 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 जानू, तुम्हें जेल नहीं होगी, इससे क्या होगा कि पुलिस को लाश भी मिल जाएगी और हम पे ज्यादा शक भी नहीं होगा डाली। बस तुम अपना बयान मत बदलना यार, सब ठीक होगा। हाँ सब सब ठीक हो जाएगा, सब 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 ठीक हो जाएगा, बस बस तुम अपना बयान मत बदलना। और देखो ना ये सब हो गया है, और रुको रुको पुलिस आने वाली है। हाँ पुलिस आने वाली है, देखो ये वारदात पे दरवाजा भी खुला रखियो से है, लगता है वाडा सा कोना मंडे कौन कॉल करियो रे? हाँ साहब, हाँ हमो कॉल किए रे। हाँ साहब हमो तो बाजू के बाहर के खेत में काम करते रहे और देखा कि अंदर मियां बीवी के झगड़ने की आवाज आई और बीवी ने मियां को मार दिया। साहब ओ पता नहीं थी आपने कौन किया से है? नहीं 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 साहब, मैं तो बाहर गई थी, वो तो जब मैं घर के अंदर आई तो मैंने देखा कि कुछ आदमी थे जो घर के अंदर घुसे हुए थे, मैं और जब मैंने और मेरा घर लूटने आए थे, जब मेरे मेरे पति ने उनका निडरता से सामने कि दोनों ने इन्हें भी मार डाला और मैं थे कि भी था ये सब के था मार डाला। तूने खून किया से रे? हम तो आपको कॉल किए रे साहब, ये और मैं छोटी बोली, ये मेरा मर्डर करने आया था। हम खून नहीं किए साहब, सब मुजरिम शुरुआत में यही बोले थे। हम खून नहीं किए पांडे, वाह वालदार पांडे अरेस्ट किए। नहीं नहीं साहब, हम खून नहीं किए साहब, ये और झूठ बोले साहब, आप खून नहीं किए साहब। हां मैडम जी, वो तूफान की वजह से ना एम्बुलेंस को आते आते लेट हो गया से, जैसे आती है आपको पति को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी, ठीक है? ख्याल रखना अपना। ठीक है ठीक है, बड़े खून करने बिचारा माधव, सोच रहा होगा कि उसकी जो हंसी ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो उसे कितना प्यार करती थी। हाँ हाँ माधव, प्यार मैं करती हूँ तुमसे, लेकिन मैं क्या करती, ना ही तुम्हें मेरी फिक्र थी और ना ही इस कुमार को। कुमार, मुझे ना तुमसे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, लेकिन तुम्हें ना मुझसे ज्यादा इन पैसों की जरूरत थी, तो मैं क्या करती। और इनफैक्ट देखा जाए तो मैंने तुम्हारी हेल्प की है यार, तुम्हें इन सबसे आजाद जो करवा दिया। तुम जिंदा? लगता है मेरी पत्नी को ज्यादा खुशी नहीं हुई। बाय द वे, ये प्लान तुम्हारे माधव का ही था, कैसा लगा? माधव तो गया जेल में, और अब okay, और अब तुम्हें भी तो सही जगह पहुंचाना पड़ेगा ना सुहासी। वैसे भी पुलिस और दुनिया की नजरों में तो मैं मर चुका हूं, और तुमने किसने मारा, तुम्हें किसने मारा, इस बात का पता कभी नहीं चलेगा। खड़ी हो कुमार, कुमार मैं तुम्हारी पत्नी मत बोलना यार, पत्नी मत बोलना। वैसे भी तुमने मुझे मरवाने में कोई कम खेल नहीं खेले। साला तू टगे के माधव मुझे कंगाल देता है, मुझे मरना तो तुझे पड़ेगा। माधव माधव तुम अभी ना जाओ छोड़ कर कि खेल अभी पूरा नहीं।
लगा लो फोन शायद इस बार सच्ची पुलिस आ जाए। सच्ची पुलिस मतलब? मतलब कि कुमार इस बार भी तुम कुछ नहीं समझे कुमार। तो एनीवे हाँ ये बताओ कि पुलिस को कॉल किसने किया था कुमार? पुलिस को तो कॉल तूने किया था। तो पुलिस किसकी होनी चाहिए सुहासी? तुम्हारी। मन सही समझे तो ये खेल पहले भी मेरा था, अब भी मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। तुम दोनों क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलोगे मैं बहुत अच्छे से जानता था। और कुमार सुनो कुमार, तुमने मेरे साथ एक 40% वाली डील की थी, है ना? ठीक है ना? अब मैं तुम दोनों के साथ एक 100% वाली गेम खेलता हूँ। हाँ, वो बचपन में गेम खेला है ना, हाइड एंड सीक। बड़ा ही सिंपल सा गेम है वो। और हाँ, इस गेम में मेन बात दो रूल्स होंगे। पहला कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते। हाँ, और दूसरा अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो वो बोनस होगा तुम दोनों के लिए। जाओगे पहले हाथ पे पट्टी बांधोगे। और अगर हमने आपस में पकड़ लिया तो मर जाओगे कुमार। हाँ मर जाओगे। अब ज्यादा सवाल नहीं, पट्टी बांधो सुहासी। डार्लिंग जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। गन जल्दी क्विक। हाँ अब कुमार अच्छा लग रहा है। कुमार सुहासी डार्लिंग चलो। हाँ चलो डार्लिंग। हाय 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 चलो। हाँ सुहासी तुम्हारा मुकाम तो आ गया। कुमार तुम वही रहोगे। ढूंढो साजना तोहरे पलम आए हैं। मार ये परफ्यूम तो कमाल लगाता है। कुमार सुहासी डार्लिंग क्या किया? परफ्यूम को देख के इसे पकड़ लिया? अरे गेम के रूल के हिसाब से तुम्हें मुझे पकड़ना था डार्लिंग, इसको पकड़ लिया। सजा तो जरूर मिलनी चाहिए ना। हाँ अब सजा मिलेगी डार्लिंग। मैं कैसे भूल जाऊँगी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम धोखेबाज हो रहे हो। मैं कैसे भूल जाऊँ? तुम्हारे कहने पे मैंने इसका मर्डर करने को तैयार हो गया। मेरी सारी जायदाद दे दी, मेरी सारी जवानी दे दी। मैं कैसे भूल जाऊँगी मैं तो? मैंने तुम्हें मरना पड़ेगा सुहासी। सुहासी हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुहासी इस रंगमंच में जीत के भी आ रहा हूँ और हार के भी जीता हूँ। ये मोहब्बत ये कश्मकश बेदुखी कशिश ना होती तो सारी जिंदगी ये शतरंज ये इश्क ना होती।